इतनी खुश्क गुफ्तगू जो आपने बहुत बहुत ही महसिब बहुत ही इत्मीनान से सुनी और हमारे जहनों तक जो है इसका पहुंचा, तो एक मैं हमेशा जो है मैडम से दरख्वास्त किया करता हूं, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है, ये प्रोग्राम का हिस्सा है जो आपकी तरफ से दिया गया है, तो मैं बहुत अदब से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक चलिए इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इतनी जामे तकरीर और उसका ये इख्तिताम भी इनामदार साहब ने बहुत ही अच्छा किया कि जिस दुनिया में तकी साहब ने हमको ले गए थे हम उसी दुनिया में रहें, ज़मीन पे नहीं आए। तो एक बहुत ही इकबाल की एक दुआ के दो शेर मैं पढ़ना चाहूँगी। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़ गुलिस्तान का, मोहताज को दाता दे, तासीर का साई मोहताज को दाता दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। आमीन सुमामी। मोहतरम सामईन हज़रात, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे मुब्तदी को आज़म कैंपस ने इस बात का मौका दिया कि आप जैसे अकाबरीन के सामने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दूँ। मैं मोहतरम मुनव्वर पीर भाई, मुमताज़ पीर भाई, पी ए इनामदार साहब और मैडम आबिदा इनामदार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। रस्म शुक्रिया मुश्ताक डॉक्टर मुश्ताक मुखादम आपको जो है अदा करेंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नश्यत मई को ताल्लुक नहीं पैमाने से, हयाया यूरिशे तातार के फसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये वही अल्लामा इकबाल है जिन्होंने अपनी शायरी से मुसलमानों को और दुनिया को हमेशा सराहा है, और वही अल्लामा इकबाल है जिनके आशार से मैं इख्तिताम करता हूँ। जिनके हंगामे से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई, सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें हिंद में नजरे ब्रह्मण हो गई। अल्लामा इकबाल की जो इकबालियात है उसको अहले पूना, अहले कैंपस और आज़म कैंपस के अकाबरीन ने ये जो जज्बा दिखाया है, क्योंकि हमें हमेशा कहा जाता है कि हम उर्दू में पीछे हैं और उर्दू जानने के लिए हमें अमेरिका से लोग बुलाने पड़ते हैं, और मैं फख्र से कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया पे छाया है उर्दू को लेके, और आज़म कैंपस में ऐसे हजारों प्रोग्राम मुनाकिद होते रहेंगे उर्दू के लिए। मैं सब आपको आपका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
पेवेलियन में ईशाइया का